हेलो स्टूडेंट्स एन का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का क्वेश्चन नंबर एट पॉइंट वन डिसकस कर रहे हैं स्टील वायर ऑफ लेंथ फोर पॉइंट सेवन मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया थ्री इन्टू टेनसा माइनस फाइव मीटर स्क्यर स्ट्रेचिज़ बाई द सेम अमाउंट एज ए कॉपर वायर ऑफ लेंथ थ्री पॉइंट फाइव मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया फोर इंटू टेनपॉ माइनस के फाइव मीटर स्क्यर अंडर ए गिवन लोड वट इज़ द रेशियो ऑफ द यंग्स मॉडल्स ऑफ द स्टील टू द कॉपर तो अगर मैं यंग मॉडल्स ऑफ स्टील के फॉर्मूले की बात करूं, तो ये क्या होता है एफ बाई ए एल बाई चेंज इन लेंथ तो स्टील के लिए ये मैं एस मान लेता हूं, ये भी एस मान लेता हूं। एफ दोनों के लिए जो स्टील के लिए लग रहा है वही कॉपर के लग रहा है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्ट्रेच्ड बाई द सेम अमाउंट यानी डेल एस जो स्टील का है वही हमारे पास कॉपर का है इसलिए मैं दोनों को डेल एल और डेल एस मानकर चल रहा हूँ ठीक है अगर मैं कॉपर के लिए निकालूं तो कॉपर के लिए एफ बाई ए सी इंटू एल सी अपॉन डेल एल आ जाएगा तो यहाँ से पूछा है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ यंग मॉडल्स ऑफ स्टील तो अगर मैं वाई एस बाई वाई सी करता हूँ तो देखो यहीं डिवाइड अगर मैं करूँ तो एफ डेल एल से तो एफ डेल एल कट जाएगा यहाँ बचेगा एल एस अपॉन ए एस मल्टीप्लाई बाई एल सी यहाँ नीचे चला जाएगा और ए सी ऊपर चला जाएगा नाउ हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं एल एस जो स्टील वायर की लेंथ है वो कितनी है फोर पॉइंट सेवन डिवाइड बाई एरिया कितना है थ्री इंटू टेन एस टू पावर माइनस के फाइव ए सी कितना है ए uh, सी कितना है फोर फोर इंटू टेन एस टू पावर माइनस के फाइव एंड लेंथ है थ्री पॉइंट फाइव तो टेन एस टू पावर फाइव से टेन एस टू पावर फाइव हमारा चला जाएगा और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो रेशो आएगा वो आ जाएगा वन पॉइंट एट रेशो वन